का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है स्टडी बाय रिंकू सर। हम पिछले दो दिनों से एडवर्टाइजमेंट पे वीडियो बना रहे हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो है एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक पर। मैंने आपको लास्ट दो वीडियोस में फॉर सेल के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट करवाई है और सिचुएशन वैकेंट के। आज जो हम करेंगे वो है सिचुएशन वांटेड के ऊपर। तो ध्यान से समझिए और दोनों वीडियोस जरूर देखें, इससे पहले वाली और ये वाली, ताकि आप दोनों वीडियो में डिफरेंशिएट कर सकें और आपका जो कंफ्यूजन होता है नॉर्मली एग्जाम्स में कि ये सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, अब क्या करेंगे, कई बार समझ में नहीं आता, तो वो जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल साफ दिखेगा आपको। जब भी आप क्वेश्चन पेपर में एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करोगे तो आपको बस और बस यही दिखेगा कि किस तरह मेरे को एडवर्टाइजमेंट लिखनी है और फुल आपका फुल मार्क्स रिसीव करने। चलिए करते हैं हम हमारी आज की वीडियो शुरू। और साथ ही अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बाकी जो पहले की वीडियोस मैंने डाल रखी हैं वो भी आप देख सकते हैं, 10th क्लास के लिए हैं। एडवर्टाइजमेंट हम कह सकते हैं 6 टू 12 के बच्चों के लिए है, लेकिन जो पोएट्री सेशन है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की। बच्चों आज हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट का अगला पार्ट, जो मैंने आपको कल करवाया था सिचुएशन वैकेंट, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सिचुएशन वैकेंट पे एडवर्टाइजमेंट लिखी थी, आज हम जो है वो करेंगे सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड में क्या होता है कि जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट होती, जरूरत होती है, वो कैंडिडेट एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करता है जॉब वांटेड के कॉलम में और वो अपनी क्वालिफिकेशन लिखता है कि इसको क्या, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो सब उसमें मेंशन आउट करता है, तो वो होती है हमारी सिचुएशन वांटेड। वैकेंट और वांटेड में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, वैकेंट मैंने लास्ट में करवाई थी, वांटेड आज हम करेंगे। तो लुक एट नाउ, इट इज गिवन बाय अ जॉब सीकर हिमसेल्फ फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। मतलब कि जॉब सीकर, जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वो बंदा क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट लिखता है ताकि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सके कि वो अपना, विच ही शो हिज विलिंगनेस टू गिव हिज सर्विस, मतलब वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है कि वो किस क्षेत्र या किस फील्ड में अपनी सर्विसेज देना चाहता है। मीनिंग क्लियर है आपको? तो आप हम करते हैं एडवर्टाइजमेंट, हेडिंग्स पढ़ते हैं। You are Ram Kumar of 10 Ashok Nagar, Bhopal. You are a diploma holder in computer engineering and looking for a job. Write an advertisement for the job wanted column of newspaper. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे headings में नाम क्या दे रखा है, Ram Kumar. कहाँ का, मतलब उसका address क्या दे रखा है, 10 Ashok Nagar, Bhopal. क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा होल्डर है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है किस लिए, किसको जॉब चाहिए एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए, कौन से कॉलम में, जॉब वांटेड। जैसा कि मैंने लास्ट टू वीडियोस में, एडवर्टाइज की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमेशा बॉक्स में आएगी, सेकेंड अट्रैक्टिव और कैचिंग हेडिंग्स और हैंडराइटिंग होनी चाहिए, थर्ड जो मेन हेडिंग है, जो टाइटल है या मेन हेडिंग है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में है। क्लियर है? तो देखिए
क्वेश्चन है तो वही नेम आप यहाँ मेंशन करोगे, क्लियर है। क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, आपने क्या क्या करा हुआ है, ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी, क्या कुछ किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मेंशन है आपकी क्वालिफिकेशन, तो जो यहाँ मेंशन है वही आप यहाँ मेंशन करोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको हेडिंग्स में मेंशन नहीं है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं गिवन तो हम अपनी इच्छा से डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हुए थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि एज जॉब करने लायक होनी चाहिए बंदे की, ये नहीं कि आप उसका बर्थ दिखा दो 2005 का और 15 साल में वो जॉब कर रहा है, डिप्लोमा होल्डर बन गया, किसी कंपनी में सर्विस करना चाहता है, तो इतना जल्दी वो क्या है इतनी क्वालिफिकेशन अचीव नहीं कर सकता, पोस्ट अचीव नहीं कर सकता, स्टेप टू स्टेप ही वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेगा, डिग्रीज को अचीव करेगा, तो वो ध्यान रखना। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है वो भी आपको मेंशन आउट करना पड़ेगा। एड्रेस, स्पेशल और सबसे जरूरी बात, इनमें से अगर एक आधी चीज मतलब डेट ऑफ बर्थ भूल गए कोई बात नहीं, मटेरियल स्टेटस भूल गए कोई बात नहीं, हमारी एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन लिखना तो ये सारा ही है, लेकिन कोई पॉइंट स्किप हो जाता है तो डजंट मैटर, बट एड्रेस स्किप नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो किसी कंपनी को आपको अपॉइंट करना है तो आपका एड्रेस होगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, तभी तो वो आपको कॉन्टेक्ट करेगी, उसे सपना तो आया नहीं कि यहाँ पे राम कुमार नाम दे रखा है, उसने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, आपका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, वो रात को सोएगा, हाँ उसके सपने में राम कुमार आएंगे और कहेंगे भाई मैं वहां रहता हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट है, तो सुबह उठ के कॉन्टेक्ट कर लेना, ऐसा तो होगा नहीं, तो आप अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट जरूर मेंशन करेंगे। और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर कंप्लीट नहीं देना, स्टार्टिंग 3-4 डिजिट्स मेंशन हम करते हैं, उसके बाद क्रॉस 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 मेंशन करते हैं, क्लियर है। स्पेशल, आपका स्पेशल क्या है, स्पेशलाइज्ड आप किस में हो, ठीक है, वो आप मेंशन आउट करोगे। हाई एस्पिरेशंस टू प्रूव माय सेल्फ, मतलब कि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा, या फिर आपकी जो भी स्पेशलाइज्ड है आप किसी भी चीज में, ठीक है, वो आप मेंशन आउट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था, उसके हिसाब से मैंने आपको समझाया है ये, तो वांटेड की से कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए आपको इसी तरह लिखनी है, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट हम किस तरह लिखते हैं। मैंने एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग 2 वीडियो पोस्ट की है, आज जो है ये 3rd वीडियो है हमारे एडवर्टाइजमेंट, इसी के साथ हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता तो उस वीडियो को आप रिपीट करके देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो थोड़ा बहुत समझ नहीं आए वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, एकदम क्लियर इमेज बन जाएगी आपके माइंड में कि हमें किस तरह अटेम्प्ट करना है, क्लियर है। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक यही खत्म होता है, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने स्टडी, पढ़ाई, सब चीजों को कंटिन्यू रखें। हैव अ नाइस डे, सी यू।